टीएस 24 में कैसे हैं आप सर? 14 से लेके 27 तक प्रगति मैदान का टेट फेयर लगा था, कैसा रहा आपका बिजनेस? बहुत बढ़िया था। कोरोना पैंडमिक के बाद ये पहला शुभ अवसर मिला है भारत सरकार द्वारा, जिससे हम लोग थोड़ा बहुत शक्ति मिल रहा है। शक्ति तो है, पर बिजनेस कैसा है आपका? बिजनेस मैडम, कोरोना पैंडमिक की वजह से तो सारा ये पूरा बिजनेस वही जो है महामारी में घिर रहा है, मगर ये है कि शक्ति मिलेगी, कुछ 8 दिनों को थोड़ा बहुत लाभ मिला है, तो इसका मजबूती दिखाई दे रहा है। और भीड़ कैसी रही आप लोगों की, सेल कैसी रही? भीड़ बढ़िया थी। आप लोगों ने बिजनेस किया, अच्छा बिजनेस किया या ऐसे ही थोड़ा? मैडम थोड़ा बहुत तो बिजनेस हुआ, पिछले जो आपको 47वां जो लगा था टोटल उसके हिसाब से नहीं पसंद, पर फिर भी ये है कि चलिए ठीक है, जैसे सब लोग चल रहे हैं उसी हिसाब से हम लोग भी चल रहे हैं। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे आने वाले टाइम में ट्रेड फेयर में, क्या आप पार्टिसिपेट करेंगे? अगर अवसर प्राप्त हुआ तो फिर भी आप कोशिश तो करेंगे। हमारे चैनल द्वारा जो दर्शक आपको देख रहे होंगे उनको क्या कहना चाहेंगे? ये मैडम आए हैं हम लोग जैसे वर्करों, आर्टिस्टों और कलाकारों का जो है मनोबल बढ़ाएं, जिससे ये खरीदारी करें, कुछ मतलब लाभ मिलेगा। हम लोग विलेज लोग गांव से आते हैं, जो खुद देसी चीज़ें बनाते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लोकल फॉर लोकल, उसी हिसाब से उनके जो है चलना चाहिए। शोरूम ऑनलाइन से खरीदने से बढ़िया है कि हम लोग आते हैं, हम लोग के आपके सामने से देख लेते जाए जो भी चीज़ें हैं। जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, क्या उनको लगता है कि वो सही कर रहे हैं? क्योंकि कुछ चीज़ें प्रोडक्ट में उनके खराब निकलता है। पिक्स में टीवी में दिखाते हैं कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और बाकी घर आने के बाद उनको कटे फटे निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ों उसमें गलत मैसेज जाता है, क्या कहना चाहेंगे? मैडम आप किस चीज़ को सामने से लाइव देखना और किसी चीज़ को बंद में देखने में बहुत फर्क है, इसीलिए तो भारत सरकार एग्जीबिशन लगाती है कि लोग अपने आंखों के सामने कला को उपस्थित होते हुए देखें, जो अच्छा लगे वो लीजिए, आप जो है उस हिसाब से हो ये होता है। भारत सरकार इसीलिए प्रयास करती है, इतना बड़ा प्रोग्राम लिया हुआ है कि कम से कम लोगों को जो है इस मनोरंजन भी मिले और उत्साहित होकर खरीदारी भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में बात करने के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अकमल। कहाँ से हैं आप? मैं मुबारकपुर आजमगढ़ से। क्या आपने ये फैक्ट्री लगा रखा है, आपने होलसेलर से खरीदते हैं? मैडम हम लोग खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं, जो बुनकर हम लोग खुद ही बनाते हैं। तो कितने एम्प्लॉय रखे हैं आप, कितना है? क्या नहीं होता मैडम, एक यूनिट की तरह जो हम लोगों ने बना रखा है, 22 बुनकरों का मिल के जो आते हैं, अलग अलग हिसाब से अलग अलग डिजाइन लेकर आते हैं, क्योंकि ये एक आदमी को संभव नहीं है कि हर चीज़ बना ले, गुलाब जामुन भी बना ले, रसमलाई भी बना ले, इस हिसाब से सब लोग अपने कलाओं को बना के इकट्ठा हो जाते हैं, तो हम लोग लिया के लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर।